इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। जो बाकी एग्जाम बच गए थे, शुरुआत में थोड़ा सा उनको आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद फाइनली दसवीं और बारहवीं के एग्जाम भी दिल्ली की नवीं और ग्यारहवीं की परीक्षाओं के तर्ज पर, क्लास के प्रयोग के तर्ज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेल्युएट किया जा रहा है। अब स्कूल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज का मामला काफी पेचीदा था, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च, सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाया नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पर काफी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी है। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज के जो आगामी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशन हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि बिना रिटन एग्जाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्जाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें उसके हिसाब से इवेल्युएट करके, और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना जरूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत जरूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवेल्युएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी मनीष सिसोदिया दे रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आगामी परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द कर दिया गया। उनका ये कहना है कि जिस सेमेस्टर में पढ़ाई ही नहीं हुई तो उस पर परीक्षा संभव कैसे है, और आगे के जो असेसमेंट होंगे खासतौर पर उनके लिए कि जिन बच्चों का आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम था, जिन्हें डिग्री की जरूरत है और आगे वो जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए विकल्प निकाला जा रहा है, उनके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। और जो वो कहते हैं आपको डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 8 लाख से ज्यादा मामले चुके हैं। और दिल्ली में बात कर रहे थे हम सीरो सर्वे की, पूजा मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। पूजा, ये कहा गया कि सीरो सर्वे की जो शुरुआती नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 15% तक हो सकता है संक्रमण, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल पयोधी, सबसे पहले हम आसान भाषा में जी न्यूज के दर्शकों, क्या है, आप किसी इलाके में रहते हैं, मान रहते हैं मयूर विहार में से 100 लोगों को चुन लिया जाएगा, उनके ब्लड सैंपल ले लिए जाएंगे, वो कोई भी लोग हो सकते हैं। अब उस ब्लड सैंपल से ये पता लगाएगी सरकार या संस्थाएं कि क्या इनके शरीर के अंदर कोई एंटी
बनी है, इसका मतलब कभी उनको कोरोना का संक्रमण हुआ रिकवरी के दौरान शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है वो सैंपल पता चल जाती है। तो उससे ये समझ में आएगा कि मयूर विहार के इलाके में जी पूजा, आपकी आवाज में तकनीकी खराबी के चलते क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन ये सारी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपसे आगे भी हम और जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन दिल्ली के बाद आपको मुंबई का हाल जानना जरूरी है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर भारत की बात करें, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई, मुंबई में एक हॉटस्पॉट धारावी, जिसमें जहां से अच्छी खबर है क्योंकि मुंबई में कोरोना के मामले, जो कुल मामले हैं वो 90,461 हैं और पिछले 24 घंटे में 73 मौतें हुई हैं, जो मौत का आंकड़ा है, और कुल मौतें 5,205 हैं। धारावी में हॉटस्पॉट है मुंबई में कोरोना का, धारावी में 24 घंटे में सिर्फ 12 मामले आए हैं। ये एक राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि धारावी में दुगने तिगने चौगने मामले हमने बढ़ते हुए देखे और अब कैसे ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चार दिन पहले सिर्फ एक मामला सामने आया था और अभी ये कम मामले, ये बताता है कि इसके नियंत्रण पर कैसे काम हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मुंबई के धारावी मॉडल की तारीफ की है। WHO ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए एकजुट होकर ही इस संक्रमण को रोका जा सकता है और ये धारावी ने कर दिखाया है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी 2 महीने पहले तक देश के बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में आती थी, लेकिन अब यहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, यहाँ के कारखाने और बाजार खुल गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.